हम सब मौजूद हैं थाना कल्याणपुर के सैयद नगर उस इलाके में जहां पर आज एक बवाल हुआ, जुलूस के दरमियान बवाल हुआ जिसमें पथराव हुआ। पथराव की स्थिति ये थी कि काफ़ी तनावपूर्ण हालात हो गए। कई थानों के फोर्स को मौके पे बुलाया गया आनन फानन में। पीएससी आई, पीएससी समेत आला अधिकारी भी मौके पहुंचे। डीएम एसएसपी काफ़ी मान मनोबल करते रहे। उसके बाद हालांकि अभी तनावपूर्ण शांति है, लेकिन हालात काबू में कर लिए गए हैं। काफ़ी उग्र हालात हो गए थे। मैं आपको बताऊँ कि ये इलाका है काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। आज जो जुलूस निकल रहा था उसको रूट को लेकर एक विवाद था। रूट बदला गया जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक लापरवाही, एक तयशुदा रूट होता है। जब संवेदनशील इलाके में इस प्रकार के कोई जुलूस निकलते हैं तो आखिर कैसे रूट बदला गया, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, अहम बात, कि जो पथराव हुआ उसमें बताते हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने 12 उपद्रवियों को जरूर गिरफ्तार किया है। मैं रजनीश दीक्षित, ईटीवी भारत, कानपुर। जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में लगभग एक घंटा पहले, लगभग ये 10:30 बजे जो आज जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में शामिल होने के लिए एक लेन से कुछ मुस्लिम लड़के उसमें जा रहे थे। इस पर शुरू में दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने उनको रोकना चाहा। उस रोकने पर आपस में वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद को आकर के सुलझा दिया गया था पुलिस द्वारा। फिर उसके बाद पुलिस की उपस्थिति में ही कुछ शरारती तत्वों ने ये अपने घर से पथराव कर दिया, जिस पर कि 2-1 लोग घायल हुए थे, 3-4 लोग को रिटर्न कर दिया गया। अब मौके पर शांति है, किसी तरह की कोई बात यहाँ पर मौके पर नहीं है। और ये एक केवल गलतफहमी की बात थी। धन्यवाद।